नवीन सुरुवातीचे प्रतीक असलेला भादवी बीज महोत्सव पनवेलमध्ये मोठ्या उत्साहात साजरा झाला. या महोत्सवाला पनवेल महापालिकेचे माजी सभागृह नेते परेश ठाकूर यांनी भेट देऊन दर्शन घेतले, तसेच सर्वांना महोत्सवाच्या शुभेच्छा दिल्या. भादवी बीज हा हिंदू कॅलेंडरमधील भाद्रपद महिन्याच्या दुसऱ्या दिवशी साजरा केला जाणारा एक महत्त्वपूर्ण सण आहे. हा सण मुख्यतः पश्चिम भारतात, विशेषतः गुजरात आणि महाराष्ट्रात साजरा केला जातो. या दिवशी नववर्ष म्हणूनही मानले जाते आणि हा शेती समुदायासाठी विशेष महत्त्वाचा आहे. भादवी बीज हा भारताच्या सांस्कृतिक वारसाचा एक अमूल्य भाग आहे. त्यानुसार पनवेल मिडल क्लास हाऊसिंग सोसायटीमधील गणेश मंदिराच्या सभागृहात सिरवी समाजाच्या वतीने भादवी बीज महोत्सवाचे आयोजन गुरुवारी करण्यात आले होते. यावेळी पनवेल महापालिकेचे माजी सभागृह नेते परेश ठाकूर, भाजपचे जिल्हा सरचिटणीस नितीन पाटील, युवा मोर्चा पनवेल शहर अध्यक्ष सुमित झुंजारराव, समाजाचे अध्यक्ष धना रामज सोयल, सचिव वोराराम गेहलोत, खजिनदार तिलोकराम गेहलोत, नेमाराम आगेलेचा, देदाराम पवार यांच्यासह मान्यवर उपस्थित होते. आज एक बहुत ही शुभ ऐसा अवसर है जिसके लिए हम सब यहाँ पे इकट्ठा हुए हैं. ऐसे ही हमेशा विविध ऐसे मतलब मौके पे हम एक साथ आते हैं. पनवेल के लिए आपने हमेशा ये पनवेल का यहाँ पे विकास हो इसके लिए आपने जो हमेशा परिश्रम किया हुआ है, ये परिश्रम की वजह से ही पनवेल आज एक विश्वसनीय ऐसा नाम हो चुका है कि जिसके वजह से आज जब मतलब मुंबई में आके रहने का कोई भी मतलब चलो सोचता है तो उसके सामने सबसे पहला पनवेल में आके रहने के लिए वो सोचते हैं. और यहाँ पे इस तरीके का अच्छा माहौल हो इसके लिए हमारे विधायक जी बच्चन ठाकुर जी ये हमेशा कोशिश करते हैं एक विश्वासपूर्ण ऐसा माहौल यहाँ पे तैयार हो. यहाँ पे आके सभी हम एक दूसरे के साथ में हम मिलजुल के रह सके, एक दूसरे के साथ में काम कर सके, इस तरीके का माहौल यहाँ पे तैयार हो इसके लिए हमारे विधायक प्रसन्न ठाकुर जी रहेंगे या उसके साथ में माननीय रामसिंह ठाकुर जी और सभी जनमान्यों का यहाँ पे हमेशा यहाँ पे प्रयास होता है. और इन प्रयासों में आपने हमेशा ये जो यहाँ सहकार्य दिया हुआ है इसके लिए भी मैं आप सभी का यहाँ आभार व्यक्त करता हूँ. अभी आपकी कमिटी ने भी हमें कुछ दिन पहले मिलके एक मतलब हमें क्या हमसे एक विनती किया हुआ था कि हमें यहाँ पे जब हमारा जीवन का प्रवास हमारा खत्म होता है तब हमें एक भूमि की जरूरत है. ये भूमि हमें अभी तक मिल नहीं रही है और उसके लिए हमने काफी वक्त से प्रयास किया हुआ है तो हमने भी उसके लिए प्रयास लगाया हुआ है. और आपको मैं बताऊँ मैं सिर्फ और मैक्सिमम एक हफ्ता या 10 दिन में ये भूमि आपको कलमबुली में मैं आपको भारतीय जनता पार्टी के साथ आप हमेशा आपने भरोसा दिया हुआ है और भारतीय जनता पार्टी ने हमें भी ये भरोसे पे खरा उतरने के लिए हमेशा काम करने के लिए ही हमें बताया हुआ है और उसी तरीके से हम काम कर रहे हैं. आप सभी का सहकार्य उसके लिए हमेशा हमें आवश्यक होता है. इसके आगे भी आपका सहकार्य मिलता रहे और हम भी यहाँ आपके समाज के लिए और इस पनवेल के विकास के लिए हमेशा हम कोशिश रहेंगे, कटिबद्ध रहेंगे. इतने में बताऊंगा